अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपका दोस्त ज़मीर। मैं आप सबको अपने चैनल ज़मीर स्टूडियो मोजियन वालों पर खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि किसी भी इमेज का बालों का बैकग्राउंड कैसे रिमूव किया जाता है। दोस्तों, जितनी भी ग्राफिक सॉफ्टवेयर हैं, इनमें एक ही काम को कई तरीक़ों से किया जा सकता है। इसी तरह बालों का बैकग्राउंड रिमूव करने के कई तरीके हैं। जो तरीका मैं आपको बताऊंगा, मेरे नज़दीक सबसे बेस्ट है। अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि किसी भी इमेज के बालों का बैकग्राउंड रिमूव करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए चलते हैं फ़ोटोशॉप की तरफ। दोस्तों, ये हमने फोटोशॉप ओपन कर ली। इस इमेज पर हम काम करेंगे। मैं आपको मशवरा दूंगा कि आपने जो भी बैकग्राउंड इसके पीछे लगाना है, ये तस्वीर पहले उस पर सेट कर लें। तो मैं एक तस्वीर और ओपन करके रखी हुई है, इसको कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल डब्ल्यू और इसको कंट्रोल वी करते हैं। फिर यहाँ पर आ गए। अब आप इसको अच्छे तरीके से अपने तरीके से सेट कर लें। कंट्रोल टी दबाएं, शिफ्ट दबा कर रखें और इसको इस तरह सेट कर लें जी। अब आपने ये करना है, कोई भी सिलेक्टिंग टूल सेलेक्ट कर लेना, एम दबाएं या यहाँ से ये सिलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करेंगे तो एक ऑप्शन ऊपर आ जाएगा, सिलेक्ट एंड मास्क। इस पर क्लिक करें तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स सामने आ जाएगा। यहाँ पर ये साइड पे टूल दिए हुए हैं, ये क्विक मास्क है, रिफाइन वगैरह, फाइन एज ब्रश है, ये दूसरे हैं, ये दो ही हमारे काम के हैं और ये नोट बना हुआ है। यहाँ पर क्लिक करें और ओवरले पे आ जाए। 33 से ज़्यादा ओवरले, ये जो लाइट है, ज़्यादा काम की जा सकती है। आप यहीं पर रहने दें, अच्छी है। अब आप ये कोई सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करें, इसको थोड़ा बड़ा कर लें और इस इमेज को इस तरह सेलेक्ट कर लें। एल्ट दबाएंगे तो ये अनसेलेक्ट करेगा, वैसे करेंगे तो ये सेलेक्ट कर लेगा। तो थोड़ा छोटा करें। ये जी आपकी तस्वीर सेलेक्ट हो गई है। अब इसको ड्रॉप डाउन करें और ब्लैक वाइट पे आ जाए। अब ये जो ऑप्शन है स्मार्ट रेड्यूस, इस पर क्लिक करें और इसको तकरीबन इतना कर दें। इससे ये होगा कि इसके जो एज है ये और भी निकाल के ले आएगा। अब आप रिफाइन आई टूल सेलेक्ट करें और इस तरह आराम से इसके किनारों पे इसको घुमाएं। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये और भी तफसील से चीज़ें निकाल के ले आएगा और आपकी तस्वीर का रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा।
हो गया जी। अब आप नीचे आ जाएं, यहाँ पर क्लिक करें और ये पहले ही सिलेक्ट है, अगर ना भी हो तो ड्रॉप डाउन करके इसको सिलेक्ट कर लें और ओके का बटन दबा दें। देखें जी, ये आपके सामने रिजल्ट है कैसा बेहतरीन बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अगर इसमें थोड़ी बहुत कमी रह जाए तो वो आप इस तरह दूर कर सकते हैं। ब्रश को सिलेक्ट करें, इसकी ओपेसिटी तकरीबन 10 कर लें, फ्लो यही रहने दें। अब यहाँ पर ALT दबा के राइट क्लिक करेंगे, तो ये कलर पिक कर लेगा। तो थोड़ा सा बड़ा करें और आस्ता आस्ता इसके एज पे यूं घुमाते जाएंगे। ये तस्वीर को सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट नहीं करना, ऐसे थोड़ा थोड़ा इसको घुमाते जाएंगे। ये पहले ही तकरीबन बेहतरीन सेटिंग है, इसलिए इसको ब्रश लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तरीका पसंद आया होगा और इंशाल्लाह आपको किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको सेव कर लें, JPG में ये हो जाएगा। इसका नाम चेंज कर दें, ये सेव हो गया जी। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि पहले वाली तस्वीर और इस तस्वीर में क्या फर्क है। ये आपकी पहले वाली पिक है और ये दूसरे वाली पिक है। इसमें फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि अगर हम किसी और सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके काटेंगे तो साफ पता चलेगा कि ये तस्वीर कटी हुई है, लेकिन इस तरीके से कोई जजमेंट नहीं कर सकता कि ये तस्वीर कटी हुई है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे।